8+2 यानी 12वीं तक पढ़ाई करने वाले स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है और हमें बिहार वासियों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 5000 से अधिक पंचायतों में हम लोगों ने प्लस टू विद्यालय की स्थापना की। अब उनका कहना था कि उन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और भवन की कमी, तो हमने कहा कि यह स्वाभाविक है, नहीं तो पहले उनकी सरकार थी या हम लोगों की सरकार से पहले एक हाई स्कूल खोलने में वर्षों महीनों लग जाते, हम लोगों ने 5000 पंचायत में एक साथ प्लस टू विद्यालय खोला है, तो स्वाभाविक है जो उनमें भवन और पर्याप्त शिक्षक ये दोनों देने में थोड़ा समय लग रहा है। हमने कहा है कि इसको भी हम शीघ्र पूरा कर रहे हैं। शिक्षकों की बहाली हम लोग कर रहे थे, आप सब जानते हैं शुरू में न्यायालय में मामला लंबित था, हम लोगों ने सक्रियता से न्यायालय से इजाज़त ले ली, अब पंचायत चुनाव आ गया उसके कारण बाधित है। पंचायत चुनाव खत्म होते ही हम सभी शिक्षकों को बहाली कर लेंगे। और अभी समझिए जो हमारे शिक्षकों को कोई गुमराह कर रहा है, जो नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं, सारे पंचायतों में नियुक्तियां एक साथ होनी थी, जो हम 90,000 प्राथमिक विद्यालय शिक्षक और लगभग 30,000 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 1,25,000 शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं और सब एक चरण की बहाली, सभी एक साथ वरीयता में एक साथ सबकी नियुक्ति हो। अब आज हम अगर नियुक्ति पत्र दे देते हैं तो जिनका कोई दोष नहीं है, पंचायत चुनाव के कारण जिनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई, वो तो इनसे जूनियर हो जाएंगे, फिर वो कोर्ट चले जाएंगे, वो कहेंगे कि हम लोग के साथ भेदभाव सरकार ने किया कि अगर हमारे पंचायत में पहले नियुक्ति हो जाती तो हम सीनियर होते, उसमें तो उनका कोई दोष नहीं। तो इसलिए हमने कहा है उनसे कि इन चीज़ों को समझना चाहिए, जो भी शिक्षक हैं सब आपस में तो ज़रूर भाईचारा रखना चाहिए कि दूसरे शिक्षकों की भी परेशानी समझनी चाहिए। और हमने ये भी बताया है कि शिक्षकों के वेतन भी जो है हम अपने अगल बगल के प्रदेशों से, चाहे आसाम हो झारखंड हो, सबसे अधिक दे रहे हैं। मैं 1+2 यानी 12वीं तक पढ़ाई करने वाले स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है और हमें बिहार वासियों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 5000 से अधिक पंचायतों में हम लोगों ने प्लस टू विद्यालय की स्थापना की। अब उनका कहना था कि उन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और भवन की कमी, तो हमने कहा कि यह स्वाभाविक है, नहीं तो पहले उनकी सरकार थी या हम लोगों की सरकार से पहले एक हाई स्कूल खोलने में वर्षों महीनों लग जाते, हम लोगों ने 5000 पंचायत में एक साथ प्लस टू विद्यालय खोला है, तो स्वाभाविक है जो उनमें भवन और पर्याप्त शिक्षक ये दोनों देने में थोड़ा समय लग रहा है। हमने कहा है कि इसको भी हम शीघ्र पूरा कर रहे हैं, शिक्षकों की बहाली हम लोग कर रहे थे, आप सब जानते हैं शुरू में न्यायालय में मामला लंबित था, हम लोगों ने सक्रियता से न्यायालय से इजाज़त ले ली, अब पंचायत चुनाव आ गया उसके कारण बाधित है। पंचायत चुनाव खत्म होते ही हम सभी शिक्षकों को बहाली कर लेंगे। और अभी समझिए जो हमारे शिक्षकों को कोई गुमराह कर रहा है, जो नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं, सारे पंचायतों में नियुक्तियां एक साथ होनी थी, जो हम 90,000 प्राथमिक विद्यालय शिक्षक और लगभग 30,000 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 1,25,000 शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं और सब एक चरण की बहाली, सभी एक साथ वरीयता में एक साथ सबकी नियुक्ति हो। अब आज हम अगर नियुक्ति पत्र दे देते हैं तो जिनका कोई दोष नहीं है, पंचायत चुनाव के कारण जिनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई, वो तो इनसे जूनियर हो जाएंगे, फिर वो कोर्ट चले जाएंगे, वो कहेंगे कि हम लोग के साथ भेदभाव सरकार ने किया कि
कि अगर हमारे पंचायत में पहले नियुक्ति हो जाती तो हम सीनियर होते, उसमें तो उनका कोई दोष नहीं। तो इसलिए हमने कहा है उनसे कि इन चीज़ों को समझना चाहिए, जो भी शिक्षक हैं सब आपस में तो ज़रूर भाईचारा रखना चाहिए कि दूसरे शिक्षकों की भी परेशानी समझनी चाहिए। और हमने ये भी बताया है कि शिक्षकों के वेतन भी जो है हम अपने अगल बगल के प्रदेशों से, चाहे असम हो झारखंड हो, सबसे अधिक दे रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर एक माध्यमिक विद्यालय, और बात यही नहीं रुकी, बात यही नहीं रुकी, बात महोदय इससे भी आगे गई। और आज ये हम बड़े फख्र से कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि आज नीतीश सरकार में ये ऐलान करके लागू कर दिया कि हर पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हो चुकी है। और महोदय हम तो कहते हैं सुनिए, जो माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की है, मैं आपकी चिंता से इत्तेफाक रखता हूँ इस मायने में, और हम स्वीकारते हैं कि अभी हमारे सारे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भवन और शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था हम नहीं कर पाए हैं। ये स्वाभाविक, एक साथ 5,000, आप अपने समय में पता है कितना माध्यमिक खुला, और हम लोगों ने 5,300 उच्च माध्यमिक विद्यालय एक साथ पंचायतों में खोल दिया। ये हमारी उपलब्धि। और आप पूछ रहे थे जब क्या करना है, अध्यक्ष महोदय अभी जो कह रहे थे ललित जी, पूछ रहे थे कि आपके समय में क्या हुआ है, तो हम इनको बता देते हैं, खाली धीरज से सुनिएगा, जो आपके समय में क्या था और हमारे समय में क्या हो गया। नीति आयोग पर भी बोलेंगे, आप धैर्य से रखिए, बोल के उधर मत घूमिए, आप इधर देखिए, धैर्य से रहिए, उस पर भी बोलेंगे। महोदय प्राइमरी विद्यालयों की संख्या ललित जी आपके समय में मात्र 37,000 थी, जो हमारे समय में बढ़कर 40,000 से भी अधिक हो गई, ये हम आपको बताना चाहते हैं। महोदय मध्य, अब मध्य विद्यालय का सुनिए, महोदय अब मध्य विद्यालय का सुनिए कि आपके समय में मात्र 13,500 मध्य विद्यालय थे, और आज की तिथि में 29,000